जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मनुष्य के पास सबसे बड़ी शक्ति उसका स्वयं का ज्ञान है। ज्ञान किस प्रकार अर्जित किया जाता है, इसे मैं एक कहानी द्वारा समझाना चाहूंगी। एक बार एक व्यक्ति एक कुआं खोदता है। कुआं खोदने के लिए वह क्या करता है? सबसे पहले जमीन खोदता है। जमीन खोदने के पश्चात उसमें से मिट्टी निकालता है, पत्थर निकालता है। काफी गहराई तक यूं ही खोदने के पश्चात वहीं से उसे पानी के झरने फूटते हुए नजर आते हैं और धीरे धीरे पानी उस कुएं में पूर्ण तरह से भर जाता है। इसी प्रकार हम सभी के अंदर ज्ञान मौजूद है, केवल हमें अपने ऊपर चढ़ी हुई परतों को हटाना है। जिस प्रकार मिट्टी पत्थर आदि हटाकर पानी के झरने फूट पड़े, उसी प्रकार जो अंधकार की, अहंकार की, घृणा की, ईर्ष्या आदि चीजों की परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं, एक बार उनको हटा दिया जाए तो ज्ञान भी झरने के समान प्रस्फुटित हो जाएगा। इसलिए इन सब चीजों को त्यागें। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, तृष्णा, इन सब चीजों को हटा दीजिए। ये सब परतें जैसे जैसे हटती जाएंगी, आप क्या पाएंगे कि ज्ञान वाकई आपके अंदर ही पहले से मौजूद था, केवल और केवल उसे समझने की देरी थी। इसलिए भक्ति कीजिए, अहंकार भावना हटाइए, तृष्णा हटाइए। ये सब चीजें हटा देंगे तो ज्ञान स्वयं ही आ जाएगा और आप स्वयं प्रभु के शरणार्थी हो जाएंगे, प्रभु को बहुत ही जल्द पा लेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन परतों को हटाइए और जो ज्ञान आपके अंदर छिपा हुआ है उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। जय श्री कृष्ण।